करहलगांची में नोनपुरा सरकार पर चल रही है श्रीमद् भागवत कथा और 21 कुंडी महायज्ञ। 19 को होगा वहां भंडारा। महाराज जी ने किया ग्वालियर चंबल संभाग का चूल से निमंत्रण। खबर करहल से है, जहां करहल मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य हाईवे घाटी में स्थित नोनपुरा सरकार धाम पर 11 जून से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और 21 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। श्रोताओं को कथा का श्रवण आगरा आश्रम से पधारे हुए व्यासपीठ श्री लीलाधर शास्त्री महाराज जी द्वारा करवाया जा रहा है, एवं 21 कुंडी महायज्ञ में हर रोज देवीय मंत्रों के जाप के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। व्यासपीठ द्वारा अपनी मधुर वाणी में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कृष्ण जन्म, पूतना, बध, गोवर्धन लीला, माखन चोरी आदि अनेक कथाओं का बखान किया जा रहा है। व्यासपीठ महाराज ने कहा कि भागवत श्रवण मात्र से प्राणी के एक जन्म ही नहीं बल्कि अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की भक्त की राहें खुलती हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। नोनपुरा धाम की महिमा इसी क्षेत्र में नहीं अपितु दूर दराज तक विख्यात है। आज भी कई अलौकिक चमत्कार इस धाम पर देखने को मिल जाते हैं। जो भी भक्त यहाँ अपनी सच्ची श्रद्धा से मनोकामना की प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। महाराज जी, जो भागवत जी यहाँ बैठी है नोनपुरा यज्ञ जो हो रहा है यहाँ पे, क्या कब से बैठी है और कब इसका समापन है? ये बैठी है 11 तारीख से 19 तारीख। तो भंडारा किस तारीख को है यहाँ? 19 तारीख को सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक सभी लोग ग्वालियर चंबल संभाग के लोग सभी का निमंत्रण है, आप यज्ञ में भाग लें। कितने कुंडी यज्ञ यहाँ किया जा रहा है? 21 कुंडी यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, और सभी का निमंत्रण है, मतलब चूल को सबन को। जी महाराज जी, जो भागवत कथा और 21 कुंडी यज्ञ नोनपुरा सरकार पर चल रहे हैं, मानव जीवन में इन चीज़ों का क्या महत्व है? मानव जीवन में इन चीज़ों का बड़ा महत्व बताया गया है। देखिए, जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करते हैं, सबसे पहले तो उनकी एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और सबसे प्रथम उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, भगवान के चरणों में उनका मन लग जाता है। भागवत कथा सुनने से उनका जीवन धन्य हो जाता है, यही सबसे बड़ा महात्म्य है। और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है, जो जीवन में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करते हैं उन व्यक्ति के जीवन में हमेशा आनंद बना रहता है, और संसार की प्रजा के लिए अन्न से जल से यज्ञ के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, सब जीवन में आनंदित होते रहती हैं, यही भागवत और लक्ष्मी नारायण यज्ञ। जी महाराज जी, कब से इस शुभारम्भ हुआ और समापन कब है इस सारे यज्ञ का? बहुत सुंदर आपने पूछा, आपके लिए धन्यवाद। मैं सभी जनता के लिए निवेदन करूँगा, ये बड़ा शुभ आयोजन 11 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 19 तारीख तक चलेगा। 19 तारीख का दिव्य और विशाल भंडारा चलेगा, जिसमें सभी भक्तों के लिए आमंत्रित किया जाता है, बड़े आनंद के साथ में नोनपुरा